हेलो ऑल, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो और खुश हो। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं एक नॉर्मल जो बोल सकते हैं कि वीडियो है वो लेके आ रही हूँ, मैनी टाइम्स लाइक 3 to 4 months के बाद। और आज मैं लेके आई हूँ एक शैम्पू का रिव्यू, बिकॉज मैं 3 महीने से उसको यूज़ कर रही थी, नॉट 3 महीने बट हाँ 2 महीने से तो एटलीस्ट मैं यूज़ कर रही थी। और उसके बाद मुझे लगा कि आई हैव टू शेयर दी रिव्यू, और बहुत अभी उसकी एडवर्टाइज भी चल रही है तो मैंने भी उसको यूज़ किया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट ओके। तो आज मैं लेके आई हूँ ये लोरियल का हाइड्रॉन मॉइस्चर शैम्पू, लोरियल पेरिस की तरफ से है। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की पूरी मैंने बॉटल मंगवा के रखी है, और अगर आपको शायद दिख रहा हो तो यहाँ तक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। एंड आज भी मैंने इससे ही हेयर वॉश किए हैं, मतलब मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश किए थे। और यू कैन सी कि आप टेक्सचर देख सकते हैं, पहले मेरे बाल लंबे थे बट मैंने कटवा दिए हैं, तो दिस इज़ द टेक्सचर राइट। उसके बाद ये मैंने हेयर वॉश किया और मेरे बाल थोड़े वेवी भी हैं, ठीक है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं कि बॉटल इस तरह की है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। फर्स्ट यू कैन सी कि ये प्लास्टिक की बॉटल आती है, मैंने ये पर्पल से ऑर्डर किया था और ये हाइएस्ट क्वान्टिटी है जो मैंने ऑर्डर किया था। सो इफ आई टॉक अबाउट, तो बॉटल यहाँ पे लिखा है लॉरियल पेरिस हाइड्रॉन मॉइस्चर 72 आवर्स मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू है, और हाइड्रोनिक एसिड के साथ आता है जो आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, जो स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है। एंड दिस इज द शैम्पू विच क्लेम्स कि वो रिम प्लम्प करता है हेयर को विथ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। सो जिसके बालों में हाइड्रेशन कम है, ड्राई रहते हैं, उसके लिए ये शैम्पू परफेक्ट है। और दिस इज ए डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, जैसे कि मेरे पहले थे। ओके, नाउ कमिंग, यहाँ पे आपको पीछे सारी इंफॉर्मेशन, जो इंग्रेडिएंट्स और जो इन लोगों ने यूज किया हुआ है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे उनकी एड्रेस और वो सारे डिटेल्स है। ये पूरी नेट क्वांटिटी मैं आपको बताऊं तो ये 1 लीटर का शैम्पू है, मैंने 1 लीटर शैम्पू मंगवाया था बिकॉज बहुत अच्छे डिस्काउंट में मुझे पड़ा था। इसका शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगा एटलीस्ट 3 साल का, जो बहुत अच्छी बात है कि 2022 में इसका पैकेजिंग हुआ था दिसंबर में, और एक्सपायरी डेट यहां पे मेंशन किया है नवंबर 2025, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट कि इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस इसकी है 1149 रुपीज, यानी कि 1149 रुपए 1 लीटर प्राइस शैम्पू की ये प्राइस है। और लवेंडर कलर की ये बॉटल आती है, हम पर्पल भी बोल सकते हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव लुक ये क्रिएट कर रही है। और मुझे कुछ 50% डिस्काउंट में था पर्पल के सेल में, शायद 700 या ऐसे कुछ में मुझे ये पड़ा था। मैंने इसके साथ इसका कंडीशनर भी लिया था, बट उस कंडीशनर का रिव्यू मैं शायद मैं अलग से डाल सकती हूँ। और इफ आई टॉक अबाउट ये शैम्पू, तो ये फर्स्ट जो मैंने परचेज किया उसके बाद जो आ गया, तो पहले तो ये यहाँ पे जो इसका ढक्कन था इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब पैकेजिंग था, बॉटल भी पूरी थी, कुछ लीकेज विकेज कुछ भी नहीं था, बट ये जो ऊपर का ढक्कन है इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो मुझे जो मेरे लोरियल पेरिस वाला जो दूसरा शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ, जो लेंथ वाला आता है, उसका मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये अभी काम कर रहा है, बिकॉज इधर उसका जो पहले का पंप था इट वॉज नॉट वर्किंग, और मुझे वापस भी नहीं करना था बिकॉज मुझे यूज करना था, तो मैंने ये जुगाड़ किया। तो हाँ, ये शायद आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप 1 लीटर वाले में जाते हो तो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि शैम्पू कैसा है, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या ये जो क्लेम करता है उस तरह का शैम्पू है कि नहीं है। तो इफ आई टॉक अबाउट, तो इसका जो कलर ऑफ क्वांटिटी जो आता है शैम्पू का, दैट इज अगेन पर्पल है, तो उसका कलर भी थोड़ा व्हाइटिश और पर्पल काइंड ऑफ है, पूरा पर्पल नहीं है बट यस, थोड़ा आपको माइल्ड पर्पल टेक्सचर इसमें दिखेगा शैम्पू में। अगर आप
शैम्पू ये यूज कर रहे हो तो झाग किस तरह से दिखता देता है आपको, किस तरह कितना पानी जाता है ये यूज करने में। तो इफ आई टॉक अबाउट, तो इसमें आपको थोड़ा सा ही शैम्पू लेना पड़ेगा, बिकॉज ये इतने शैम्पू अगर आप लेते हो तो ये शैम्पू एक प्रोफेशनल जो लोरियल की रेंज आती है उस तरह से ही ये पूरा वर्क करता है, विच आई लाइक द मोस्ट, मतलब मोस्ट या। और इफ आई टॉक अबाउट, तो इतना शैम्पू आप लेना बहुत ज्यादा मत लेना, अच्छे से फर्स्ट वॉश में ही आपके पूरे जो स्कैल्प तक वहां पे आपका अच्छे से ये झाग भी दे देगा, अच्छे से आपके स्कैल्प में मतलब क्लीन भी कर देगा, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट ऑफ शैम्पू हो रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ही लेना, ज्यादा मत लेना, इधर क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपका वेस्ट हो जाएगा, तो इतने शैम्पू में भी काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से बालों से निकलता है, यस बालों से निकल जाता है, जो नॉर्मल क्वांटिटी लगती है पानी की वो तो लगने ही वाली है, बट अच्छे से ये बालों में से निकल भी जाता है, ठीक है। स्कैल्प में अच्छे से स्प्रेड आउट भी होता है, स्कैल्प को अच्छे से ये क्लीन भी करता है वो, और एक माइल्ड इसकी जो फ्रेग्रेंस, आई कैन से कि माइल्ड फ्रेग्रेंस है वो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले शैम्पू भी नहीं अच्छे लगते, तो इसकी बहुत माइल्ड है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, निकल जाती है, मतलब आती नहीं है कंटिन्यूअसली, दूसरे जो लोरियल के शैम्पू हम कंपेयर करते हैं उसके हिसाब से, तो आई लाइक दिस। ओके नाउ ये जो नीचे के जो फ्रीजी डैमेज हेयर है उसको अच्छे से हाइड्रेलिक एसिड जो काम करता है कि नहीं करता है, तो आई कैन से कि बिकॉज माई हेयर विच आर वेरी हैवी, यू कैन यू नो वेवी है, यू कैन सी दैट, एंड दैट इज द रीजन आज मॉर्निंग में ही मैंने इसको शैम्पू किया है, तो मेरे बाल ही ऐसे हैं। बट हाँ, पहले की कंपेरिजन इफ आई टॉक अबाउट, तो मैंने बहुत सारी चीजें यूज की, मेरा स्कैल्प ऑयली है, नीचे के ड्राई थे, तो नीचे के जो बाल है उसमें इसने थोड़ा काम किया है कि थोड़ा मॉइस्चर आ गया है, तो विच आई लाइक के मतलब पूरे ड्राई नहीं दिख रहे मेरे हेयर। आज मैंने बाय द वे कंडीशन हेयरफॉल नहीं होता है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि पहले दो वॉश में शायद आपको ऐसा लग सकता है, बट कवर हो जाएगा, थोड़े वाल तो सभी के निकलते ही है, अच्छे से ये क्लीन करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, 72 आवर्स का जो क्लीन इसने किया है वो एक्चुअली है कि नहीं है, तो आई कैन से कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली नहीं है मेरी तरह, तो डेफिनेटली एक दो ढाई हाँ तीन दिन ये चल जाएगा फॉर श्योर, 72 आवर्स तक। बट जैसे कि मेरा स्कैल्प ऑयली है तो हार्डली दो दिन, बिकॉज 48 आवर्स के बाद तो मेरा स्कैल्प के हिसाब से ये 72 आवर्स वाला क्लेम नहीं चल पाता, बिकॉज मेरा ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है और आई हैव टू वॉश माई हेयर। बट उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ स्कैल्प में ही शैम्पू यूज करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ के बाल ऑलरेडी क्लीन होते हैं, राइट। तो फाइनली दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, और मेन चीज कि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक नहीं है, यहाँ इसमें शायद बहुत सारे आई कैन से कि बहुत सारे केमिकल भी हो सकते हैं, बट अभी कोई चीज़ ऐसी भी नहीं रही कि जिसको हम बोल सकते कि हाँ ये 100% आयुर्वेदिक है, सो इट मे पॉसिबल, राइट। तो या सो दिस इज द शैम्पू, और आप देख सकते हैं टेक्सचर, पर्सनली आई रिकमेंड करती हूँ कि नहीं करती हूँ, तो डेफिनेटली आई एम रिकमेंडिंग दिस शैम्पू, बट क्वांटिटी कम यूज करना, ठीक है। अगर बाल अच्छे हैं तो वीक में आप दो ही बार इसको यूज करना, ज्यादा मत यूज करना, बहुत ज्यादा शैम्पू लोगे तो हेयर ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि थोड़ा ही शैम्पू लो, अगर ऑयल भी डाला हुआ है तो भी अच्छे से आपके ऑयल वाले बालों में को भी निकाल देता है, बट दो बार यूज करना उसके लिए, ठीक है। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो यू कैन गो विद दिस शैम्पूस कंडीशनर, बिकॉज दोनों का कॉम्बिनेशन आई सजेस्ट कि बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो यस, मेरी तरफ से इसके लिए हाँ है, और मुझे तो मतलब अच्छा लगा है, डेफिनेटली अगर फ्यूचर में भी लेना है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस शैम्पू, मुझे अच्छा लगा है, हाँ, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरे भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप मुझे बोल सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दे देना, अगर मेरे वीडियोस और मेरे जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।